तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सैनिटाइज़र बनाने के लिए आपको जिन वस्तुओं की ज़रूरत है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए एक सर्जिकल स्पिरिट, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो अपने मेडिकल कामों में यूज़ होता है, डॉक्टर जो सिरिंज साफ़ करते हैं, क्लिनिकल स्पिरिट भी इसे कहा जाता है, आपको ये लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए ग्लिसरीन। इसके अलावा आपको एक एसेंस भी ज़रूरत होगी खुशबू करने के लिए, ताकि आपके सैनिटाइज़र में एक अच्छी बढ़िया महक आए। और आप चाहें तो ग्लिसरीन अगर उपलब्ध न हो तो आप ये बादाम का तेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बनाना सीखते हैं इसे। और एक आपको जो ज़रूरत है वो होगी, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये क्या है, ये एलोवेरा है, हिंदी में इसे ग्वार पाठा भी कहा जाता है। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार एक बढ़िया क्वालिटी का और मार्केट से काफ़ी कम कीमत पर अच्छा सैनिटाइज़र कैसे बनाएं। सबसे पहले ये जो एलोवेरा है, इसका जो आप ये देख रहे हैं बीच का जो हिस्सा दिख रहा है आपको दोस्तों, ये देखिए ये वाला, इसी ये जो पल्प है इसे हमको निकालना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हम इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ मात्रा की बात करें तो आपको जो जो स्पिरिट है ये आपको 100 ml लेना है, और ये जो पल्प है एलोवेरा का ये आपको 50 ml लेना है, और ग्लिसरीन जो है वो 1 चम्मच, आप छोटी चम्मच जो होती है इस तरह की, ये देखिए एक छोटी चम्मच आपको ग्लिसरीन लेना है। और यदि आपके पास में एसेंस उपलब्ध है, और आप कोई सा भी एसेंस ले सकते हैं, रोज़ का हो, चंदन का हो, केवड़ा हो, जो भी आपको पसंद हो, आपको 3 या 4 बूंद एसेंस इसमें मिला लेना है। देखिए हमारे पास पल्प इकट्ठा हो गया। आपको इसे ज़ोर से नहीं करना है, आप इसे जब बड़ी आसानी से स्मूथली चम्मच चलाएंगे तो आपके ऑटोमेटिक जो है इसका पल्प निकलता जाएगा। और ये पल्प हमें 50 ml की मात्रा में चाहिए। दोस्तों YouTube पर कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिनमें कुछ भ्रामक तथ्य भी बताए जा रहे हैं सैनिटाइज़र के बारे में। हालांकि मैं नाम किसी भी यूट्यूबर का नहीं लूँगा, लेकिन आप इनकी मात्रा और सामग्री पर ज़रूर ध्यान दें। कुछ यूट्यूबर तो स्पिरिट की बजाय शराब का यूज़ करना बता रहे हैं कि आप स्पिरिट उपलब्ध नहीं हो तो शराब ले सकते हैं। कुछ वोडका जो एक शराब की एक क्वालिटी है उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि यदि आपके पास में स्पिरिट उपलब्ध नहीं हो तो आप जो है आफ्टर सेव लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि आपको जो स्पिरिट मैंने बताया कि सर्जिकल स्पिरिट लेना है, इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है ये 70% या इससे ज़्यादा होती है। और अगर आप 70% से कम अल्कोहल वाला स्पिरिट लेंगे तो वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए आपको 70% लगभग इससे ज़्यादा या 70% वाला ही आपको स्पिरिट यूज़ करना होगा। जबकि वोडका या जो शराब होती है उसमें ये मात्रा 40% के आसपास होती है। तो इस तरह के भ्रामक वीडियोस के बारे में आप ध्यान न दें। जो मैंने आपको मात्रा बताई और जो वस्तुएं बताई ये बिल्कुल परफेक्ट बताई है दोस्तों। आप एक अच्छा सैनिटाइज़र अच्छी क्वालिटी का, और वो भी मार्केट से लगभग 3 से 4 गुना कम कीमत पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा पल्प लगभग तैयार हो चुका है। अब हम 100 ml, आप ध्यान दीजिए मात्रा पर, 100 ml आपको ये सर्जिकल स्पिरिट लेना है। ये बड़ी बोतल है दोस्तों, मार्केट में आपको आसानी से मेडिकल पर 100 ml की बोतल
लगभग 30 रुपये के आसपास में ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्पिरिट है और इसमें हम हमारा जो एलोवेरा पल्प है वो इसमें मिला देंगे। एक चम्मच हमें ग्लिसरीन लेना है। दो तीन बूंद हम इसमें बादाम का तेल डाल सकते हैं ताकि हाथों में मॉइस्चर की कमी ना हो, नमी की कमी ना हो, क्योंकि स्पिरिट जो है दोस्तों वो हमारी जो त्वचा है उसकी जो नमी है उसको बिल्कुल सोख लेता है। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें एसेंस की 2 या 3 बूंदें डालकर और अच्छी तरह मिला करके और अब हम इसे अपने किसी भी स्प्रे वाले बॉक्स में इसको डालकर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सैनिटाइज़र आपके बनेगा दोस्तों, ये इतना अच्छी क्वालिटी का होगा। मार्केट में इस समय 50 रुपये का सैनिटाइज़र आपको 200-300 में मिल रहा है। ये हमारा जो इस तरह से हम तैयार करेंगे इसकी कॉस्ट लगभग 50 रुपये के आसपास होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।